चलिए मेरे दल का नहीं, चलिए मेरे दल का नहीं, मैं आपके दल का उदाहरण देता हूं। जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैंप में गए थे। तो सीधा सीधा सर मैं प्रधानमंत्री जी से तीन में हमारी याचना है, तीन हमारी याचना है। याचना एक कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाएं। हमारी याचना दूसरा कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। जब आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मुजाहिदीन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम इंडियन पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है, जहां पे गेरुआ है, सफेद है, हरा है और बीच में अशोक का चक्र है।